तो आज हम लोग फ्रेश को जाने के लिए सोच रहे थे एंड इट स्टार्टेड स्नोइंग एंड इट्स माय फर्स्ट स्नो हियर सी Hi Nithya. How are you feeling first now? Very nice. Come. हम लोग ये ट्रॉली ले जा रहे हैं फ्रेश को क्योंकि बहुत सामान रहता है इतने स्नो में हाथ में पकड़ के नहीं आ सकते सो वी टुक दिस ट्रॉली मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस तो हम लोग अभी ऑन द वे हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि हाउ इट लुक्स आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने देखा होगा दिस इज़ फॉर पर्टिकुलर फॉर दोज पीपल जिन्होंने कभी स्नोफॉल नहीं देखा मेरी तरह और मैंने भी देख लिया एक्चुअली तो आई विल जस्ट शो यू जस्ट दिस इज सो ब्यूटिफुल गाइस कैन यू सी एवरीवेयर इट्स स्नो पूरी स्नो की परत है ट्रीज रोड्स हाउसेज एंड इट्स सो ब्यूटिफुल बट स्टिल यू हैव टू बी वेरी केयरफुल समटाइम्स यू स्किड तो अच्छे से विंटर बूट्स ले लेना है कैनेडा आके और विंटर जैकेट विच इज़ -30 और -40 सो आप इस ठंडी में सर्वाइव कर सको और इसका भरपूर मज़ा ले सको एक्चुअली और ये जो छोटे छोटे स्नोफ्लेक्स हैं आई एम श्योर यू कैन सी इट इन माई वीडियो दे मेक दिस मोमेंट और दिस सीनरी मच मोर ब्यूटिफुल आप बहुत इन्जॉय करोगे And as I'm from South India, this is really beautiful experience for me. So let's ask my friends actually ki unko kaisa laga. Ye to mera first time hai and I'm loving it. How are you feeling, Shraddha? Actually, I'm enjoying very much. And how are you feeling, Nitu? Hi. Although it's snowing, it's not too cold, I would say, because we are enjoying the climate right now. And you see even small kids are playing yeah. outside. And so many guys walking with their dog. Yeah. Nice, nice. गाइस स्नोफॉल अच्छा है लेकिन ठंड भी बहुत है हम ऑलमोस्ट फ्रेश को पहुंच गए स्नोफॉल सी तो गाइस बाहर से ही आपको ये ट्रॉलीज मिल जाएंगी एंड आई डोंट थिंक सो वी हैव टू पे एनीथिंग एनी कॉइन्स आई एम नॉट श्योर और जैसे ही आप जाते हैं फ्रंट में आपको एक पैम्पलेट रहेगा विच आई फॉरगेट टू शो हियर बट वहाँ पे सारे ऑफर्स रहते हैं उस दिन के डील्स जैसे मायोनेज और केचप साथ में आपको मिलेगा टू ब्रेड्स फॉर वन कॉस्ट लाइक ऑफर में और काफ़ी चीप भी रहता है तो यहाँ पे इंडियन लेस है जो काफ़ी महंगे हैं 2 for 500 लाइक $5 लाइक 2.5 करके और ये एप्पल्स हैं देर आर टाइप्स ऑफ एप्पल्स हियर और वेजिस भी ब्रोकली एग प्लांट और जुकीनी और ये सब आपको जो टॉप में आपको वहाँ पे नेम प्ले सॉरी रेट है उसी के हिसाब से है
और कैप्सिकम यहाँ पे कम है, आगे चल के 4 कैप्सिकम एक बॉक्स में देते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली है। इवन ऑरेंजेस भी आप एक भी ले सकते, तो आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्राई, तो मैंने सिर्फ 2 लिया था और वो मुझे $5-6 में पड़ा, सो कॉस्टली है भाई। और नींबू भी हमने सिर्फ 2 लिया क्योंकि बाकी तो वी डोंट यूज़ दैट मच, और बहुत टाइप्स ऑफ फ्रूट्स हैं, मन तो करा था सब ले ले बट बजट भी तो देखना है। एंड हाँ, कैरेट्स, बेबी कैरेट्स हैं ये, आगे जो हमने लिया था वो होल कैरेट्स था पूरा और काफ़ी फ्रेश था। और ये जो एग प्लांट आपको दिख रहा है बैंगन, इसमें आपको साइज़ और यानी वेट के हिसाब से कॉस्ट होता है। और ये बीन्स का भी सेम सीन है, ये 3.99 सेंट है 1 kg का, तो अगर आप 1/2 kg या और थोड़ा कम लेते हैं तो प्राइस विल डिक्रीज। तो एवरीथिंग इज़, आपको अगर समझ नहीं आ रहा वहाँ पे वेट कैसा है तो आप ले लो, और जब चेकआउट करोगे ना बिलिंग के वहाँ पे, वो कैशियर आपको बता देगा कि व्हाट इज़ द वेट एंड व्हाट इज़ द कॉस्ट, सो इफ़ यू वांट टू टेक इट यू कैन, और इफ़ नॉट कैंसिल। और ये धनिया आपको यह 99 सेंट्स का मिल रहा है, इंडिया में तो खैर फ्री मिलता था। एंड यहाँ पे एक और अच्छी बात यह है कि सारे ग्रीन्स में एक पाइपिंग सिस्टम है, जैसे वाटर ड्रॉपलेट्स या स्प्रे होता है, आई कुडंट एबल टू शो इट वेरी क्लियरली इन दिस वीडियो, बट इससे क्या होता है कि सारे वेजेस जो है बहुत फ्रेश रहते हैं। एंड बीटरूट्स अगर आप देखें, ये ब्रसल स्प्राउट्स है और बीटरूट्स का भी यही सीन है, हमने 3 लिया था, 2 छोटे और 1 बड़ा वाला, तो उसके वेट के हिसाब से उसका कॉस्ट है। तो यहाँ पे केजी ऐसा नहीं है, वेट के हिसाब से कॉस्ट है। मशरूम्स थोड़े कॉस्टली यहाँ, बट ट्रस्ट मी ऑल टाइप्स ऑफ मशरूम है, अगर आप जापनीज फूड के दीवाने हैं तो लाइक आपको इनोकी मशरूम, बहुत सारे टाइप ऑफ मशरूम मिल जाएंगे। खैर मुझे तो नाम भी नहीं आता और बनाना भी नहीं आता। तो इसके बाद यहाँ पे आई थिंक ये पिस्ताशियोस है, हाँ ड्राई फ्रूट सेक्शन आगे हैं, आई एम नॉट श्योर इफ आई कवर्ड इन दिस वीडियो। ये है ऑनियंस, हाय दिस आर माय फ्रेंड्स गाइस, तो बैक टू वीडियो। तो ये स्क्वैश है, हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते हैं, वी डोंट नो हाउ टू कुक देम। और ये स्वीट पोटैटो है, आई थिंक दिस सेक्शन इज ऑल फॉर दिस नाइजेरियन फूड, फूफू सब बनाने के लिए भी यूज ऑल दिस रूट्स। तो ये हैं, एंड आगे पोटैटोज भी हैं, और यहाँ पे पोटैटोज बहुत चीप हैं, देर आर टाइप्स ऑफ पोटैटो, यू गेट दिस रेड वन और ब्राउन वन जैसे इंडिया में है, और ये एंटायर बैग। एंड देन यहाँ पे आपको वेजी कम फ्रूट सेक्शन है, ये ड्रैगन फ्रूट, लीची एंड ऑल, और वहीं पे आपको रेट्स भी हैं। और यहाँ से ग्रीन चिली सेक्शन शुरू हो जाता है, ये जो मसाले वाले मिर्ची जो हम बनाते हैं, या जनरली ग्रीन चिली को यहाँ थाई पेपर्स बोलते हैं, वो थोड़े कॉस्टली हैं लेकिन ठीक ठाक हैं, चलेगा। और ये जो कैप्सिकम है, जो भी आप टोमेटो या ऑनियंस लेते हो यहाँ पे आप वे कर सकते हैं। ये हमें 5 टोमेटोज 1 kg का पड़ा, और यहाँ पे आप यहाँ से सबका फेवरेट सेक्शन, डेजर्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, केक्स हैं। और यहाँ आगे चल के आपको ब्रेड सेक्शंस हैं, टॉर्टिला, स्नान, आई थिंक सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। कॉस्ट भी ठीक ठाक है, आई मीन यू विल गेट गुड क्वान्टिटी इन गुड अमाउंट। एंड यहाँ से टार्ट सेक्शन या स्वीट सेक्शन शुरू हो गया, एंड दी लुक सो डिलीशियस गाइस। ये लेमन वाला है, ये चॉकलेट चिप है, और ये कोकोनट और कैरमल, और ये ब्राउन चॉकलेट आई थिंक,
और ये डोनट्स चॉकलेट वाले और ये आइसिंग शुगर वाले। और आगे चल के यहाँ पे आपको ब्रेड्स हैं जैसे टॉर्टिलास हो गया, पिज़्ज़ा बेस हो गया, और आई थिंक यहाँ पे सैलड के लिए हो गया, और ये आपका थेपला जो आगे आने वाला है। एंड बहुत टाइप के यहाँ पे ब्रेड्स आपको मिल जाएंगे फॉर डे टू डे ब्रेकफास्ट के लिए या बिजी डेज के लिए। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट दिस इज़ क्रोसॉन्ट। मेरा मन तो बहुत था लेने का बट आई थॉट कि नेक्स्ट टाइम। और ये पालक वाला टॉर्टिला है, चपाती कह सकते हैं आप, नेक्स्ट टाइम आई ट्राई इट एंड लेट यू नो। और ये मेरा फेवरेट है बिकॉज यहाँ से मैंने एक वेनीला केक लिया था, इट्स सो यम्मी। एक ऑरेंज भी लिया बट दैट वॉज ओके ओके। एंड दीज आर फ्रोजन फूड सेक्शन, तो यहाँ आप इस विजुअल व्यू को एंजॉय करिए बिकॉज बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। और यहाँ से कबाब सेक्शन शुरू हो जाता है। आइमो करके एक ब्रांड है यहाँ जहाँ से हमने पास्ता लिया था। दिस इज़ द सॉस, आई थिंक दे कम्स गुड इन गुड फ्लेवर और ऑल्सो द प्राइस। और यहाँ से फ्रोजन मीट शुरू हो जाता है। आई एम श्योर मैनी ऑफ यू आर मीट लवर्स एंड मैनी ऑफ यू आर नॉट। मैं भी उतनी मीट लवर नहीं हूँ बट मेरे पापा को बहुत पसंद है, तो दिस स्पेशली इज डेडिकेटेड टू माई फादर एंड अदर्स हु लव मीट। यहाँ पे आपको हर टाइप का मीट मिल जाएगा, फिश मिल जाएगा इवन। और यहाँ पे गाइस ये जो प्रॉन्स हैं जो मुझे बेसिकली बहुत पसंद है, बहुत कॉस्टली हैं, तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो यू कैन टेक वन पैक विच आर फ्रोजन नॉट प्री कुकड, ओके। तो वो आपको थोड़ा कम में पड़ेगा, आई थिंक $10 या। और ये सब फिश हैं जो आपको काट के अच्छे से पीस में फ्रोज करके रखा रहता है। एंड यहाँ से आपका मीट सेक्शन शुरू हो जाएगा। दिस इज़ ग्राउंड पोर्क और आपको काफ़ी टाइप ऑफ मीट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। आगे आपको फिश सेक्शन भी है जहाँ पे आपको बहुत टाइप्स ऑफ फिश रहेगा। एंड यहाँ पे ये प्रॉन्स है विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, ये मसाला या प्री कुक प्रॉन है जो कि लिटिल कॉस्टली कंपेरेटिवली टू दी फ्रीज प्रॉन। तो अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं तो यू कैन टेक दी फ्रीज वन एंड यू कैन कुक एट होम एज पर योर चॉइस। तो यहाँ पे आपका सबसे बेस्ट पार्ट या जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है कि चिकन को मैरिनेट करके रखा है। प्लेन चिकन भी है और ये मैरिनेटेड भी है। वहाँ पे होल चिकन भी है विच इज कंपैरेटिवली लेस देन द सेपरेटेड पीसेस, ओके। एंड फ्रॉम हियर दिस इज एवरीथिंग मीट सेक्शन, यू कैन जस्ट चेक दिस विजुअल्स आउट। एंड फ्रॉम हियर इट्स सॉसेज सेक्शन, यू नेम इट एंड यू फाइंड इट। यहाँ पे आपको हर प्रकार का सॉसेज, हर प्रकार का मीट चिकन सब मिल जाएगा, टर्की है, पोर्क है, सब कुछ। और ये रेड मीट है, आई एम श्योर पीपल हु लव इट दे विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। और ये चिकन या टर्की है और ये ऑलिव्स हैं ऊपर में जो रखे हैं। एंड या दिस आर फ्रूट सेक्शन एंड आई थिंक कन्वीनियंट स्टोर सेक्शन जहाँ पे आपको फ्रूट्स और वेजी सैलड के यूज़ करने के लिए बॉक्सेस में है। And this is my favorite section. Look at the flower, guys. I'm sure there comes a day when I'm going to give myself bouquet every day and will be enjoying it to the core. यहाँ पे आपको almost हर corner में processed food या meats दिखेंगे, guys.
here we have cheese, yeah, and बहुत types of cheese हैं. मुझे तो आधे का नाम भी नहीं रखा, I know just basic वाले. And आगे चल के यहाँ पे है ये all purpose flour which is nothing but maida. और ये हो गए हमारे potato bags. यहाँ से आपको पास्ता सेक्शन शुरू हो जाता है. दिस ऑल आर हैंडमेड पास्तास. अगर आपको मैं क्लोजअप दिखाऊँ, दे लुक सो प्रिटी. कलर्स देखिए आप, एंड यू कैन बाय योर पास्ता फ्रॉम दिस सेक्शन एंड आई एम श्योर दे विल टेस्ट गुड. And this is kids and our favorite section, Kit Kat, Ferrero Rocher, Cadbury. और आगे चल के ये हो गए हमारे chopped vegetable bags and ये हमारा sriracha, mayonnaise, some juices, I'm not sure about. But look at this box, it looks so so good, right? And this is sushi guys. This is dry food section and you also have the same weighing machine to weigh. And from here this is the juice section. I'm not a fan of all these artificial juices, but still if somebody like, I think they can get it from here. There are so many varieties and it looks so colorful. And from here it is the yogurt section guys. There's one coffee yogurt and I love it so much, and let me show you this one. Yeah. And that coffee yogurt which I showed you is very yummy. You can try it. And I have also asked this person to show me quinoa because I don't eat rice. And quinoa in Hindi we say is Amarnath, and it's very cheap in India, but here it's very costly. 250 gram is for $5. So better you get it from home back in India if you're coming here. And from here you have coffee section. You have Starbucks, you have Compliments which I have taken, Nescafe and Tim Hortons which is one of the Canada's most favorite brand. Aur aapko yahan pe Nescafe thoda sa higher rahega even Starbucks. So humne jo Compliments ka liya tha ye choto wala hai, aur iske bagal mein jo bada wala hai humne ye liya. It was like good and taste bhi kafi acha hai. Finally we got our Ashirwad atta. How much for this 10 kg pack? It's 10 kg. Yeah, this is 10 kg. Meanwhile we came to drugstore to check the products out and it is really good. You must try. And then it was our time to go back home. As soon as we stepped out, it is blanket full of snow and we were like, let's enjoy this, let's take so many pictures. और हमने बहुत मस्ती की. आगे आपको सारे फोटोज दिखेंगे. Enjoy.